हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑपरेशन एंड मैट्रिसेस में दो टॉपिक्स देखे थे, एक था मैट्रिक्स एडिशन और सेकंड था मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। थर्ड टॉपिक आज हमारा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स के बीच में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कब करेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने दो मैट्रिक्स ली है, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है। ऑर्डर में पहला जो कांस्टेंट होता है वो रो होता है, सेकंड जो होता है वो कॉलम होता है। ऐसे ही बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है r बाय s, ये उसके रो एंड कॉलम्स हैं। अब मल्टीप्लिकेशन a और b के बीच में कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। यानी अगर आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स आगे है बी मैट्रिक्स पीछे है, तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स ए के देखेंगे, नंबर ऑफ रोज बी के देखेंगे। एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है और एक मैट्रिक्स बी गिवन है। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ए बी। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, जिसमें ए मैट्रिक्स जो है वो आगे है, बी मैट्रिक्स जो है पीछे है। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आपने देखना होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो उसके लिए जो हमने अभी ऊपर देखा कि जो सबसे पहले जो मैट्रिक्स होता है उसके हमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ रोज। अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए मैट्रिक्स के लिए 2 उसका रो है, 3 उसका कॉलम है। बी मैट्रिक्स के लिए 3 उसका रो है एंड 2 उसका कॉलम है। अब इसमें हमारे पास ए के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए कितना है, 3 है। बी के लिए नंबर ऑफ रोज देखिए कितना है, 3 है। तो हमारे पास दोनों सेम हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ये तो हमने चेक कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है वो देखते हैं। ए और बी, ए मैट्रिक्स रखिए एंड बी मैट्रिक्स लिखिए। उसके बाद आपने जो पहली मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो ले लेना है, इसका फर्स्ट रो एंड इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसमें मेरे पास जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं वो 2, 3, 7 है। फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो 3, 2, -2 है। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा वो देखते हैं। 2 और 3 तो मल्टीप्लाई होंगे, जैसे ही हम अगले एलिमेंट में आएंगे वो दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होके प्लस होंगे। ऐसे ही उसका अगला एलिमेंट जो होगा 7 और -2 वो मल्टीप्लाई होंगे और वो प्लस होंगे आगे वाले एलिमेंट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं 2 × 3, आगे एलिमेंट है तो ऐड कीजिए, प्लस 3 × 2, अगला एलिमेंट है हाँ तो स्टार्ट कीजिए, प्लस 7 × -2। अब मेरे पास ये तीनों एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं और मल्टीप्लाई हो गए हैं एक दूसरे के साथ। अब फर्स्ट रो के बाद अगर इसमें एक और कॉलम है तो वो आपका सेकेंड एलिमेंट बनेगा। तो सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं 2 × 0 प्लस 3 × 5 प्लस 7 × 7। अब आगे कोई और कॉलम नहीं है, हमारे पास ये दो ही कॉलम थे, तो पहली रो के लिए जो एलिमेंट होंगे वो 2 होंगे। अब सेकेंड रो में आ जाइए। सेकेंड रो को भी आपने पहले मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम के साथ। लेकिन अगर ये आपका सेकेंड रो में है तो आप नीचे आ जाइए, -1 × कीजिए 3 के साथ, देन ऐड होगा एलिमेंट 5 × 2 प्लस 2 × -2।
ऐसे ही सेकेंड इसका फोर्थ एलिमेंट बनाइए, माइनस वन इंटू जीरो प्लस फाइव इंटू फाइव प्लस टू इंटू सेवन। मेरे पास ये मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 बाय 2, क्योंकि अगर आप इन एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे तो एक एलिमेंट ये होगा, एक ये होगा, एक ये और एक ये, तो चार एलिमेंट्स हैं, दो रो एंड दो कॉलम्स, तो 2 बाय 2 ऑर्डर होगा। आप ऑर्डर कैसे पहचान सकते हैं कि उस आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स में से जिसे हमने देखा था पहले कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज हम देखते हैं, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए नंबर ऑफ रोज के साथ। अब जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हटा दीजिए तो हमारे पास क्या बचा, 2 और 2। 2 और 2 होने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा जब ये मल्टीप्लाई होंगी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जो आने वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन के बाद। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 into 3 6 प्लस 3 into 2 6 प्लस, लेकिन यह माइनस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 7 into 2 14। 2 into 0 0 प्लस 3 into 5 15 प्लस 7 into 7 49। ऐसे आने वाले एलिमेंट्स को भी सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास ये मैट्रिक्स सॉल्व होके आएगा -2 64 3 and 39। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी। ऐसे आपने मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करके उनको फाइंड आउट करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।